हेलो सुनो, नमस्कार। आपका ऐसे ना बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से इस शादी के कार्ड को बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया है। आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से इसी तरह से शादी का कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन से आप दोस्तों बनाना चाहते हैं तो आप दोस्तों बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही इस शादी के कार्ड में अपना नाम पता मोबाइल नंबर के साथ आप दोस्तों इस शादी के कार्ड में कुछ भी एडिट कर सकते हैं। आप दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन से इस शादी के कार्ड को आप किस तरह से एडिट कर पाएंगे, आप इस मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग को शुरू से लेकर अंत तक आप बहुत ही अच्छे से देखिए। आप दोस्तों बहुत ही आसानी से इस शादी के कार्ड को एडिट करके अपने मोबाइल फ़ोन से आप बनाना बहुत ही आसानी से आप दोस्तों सीख जाएंगे। और दोस्तों जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ उसको भी आप अच्छे से सुनिए समझिए, ताकि आपको दोस्तों इस शादी के कार्ड की आपको PLP फाइल आपको आसानी से मिल जाए, जिससे आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से इसी तरह से इस तरह से शादी का कार्ड आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से खुद से एडिट करके आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से खुद से दोस्तों डिजाइन कर सके। अपने मोबाइल फ़ोन से इस शादी के कार्ड को एडिट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है पिक्सल ऐप एप्लीकेशन। यह जो दोस्तों पिक्सल ऐप एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर पिक्चर एडिटर के नाम से मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद आपको दोस्तों इस शादी के कार्ड की आपको PLP फाइल की जरूरत पड़ेगी। आपको दोस्तों इस शादी के कार्ड की PLP जिप फाइल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जिप फाइल मिल जाएगी। आप बहुत ही आसानी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस शादी के कार्ड की PLP जिप फाइल आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस शादी के कार्ड की PLP जिप फाइल डाउनलोड करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि मैंने जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस शादी के कार्ड की PLP जिप फाइल का लिंक दिया हुआ है उसमें पासवर्ड लगा हुआ है। दोस्तों वो पासवर्ड आपको इसी वीडियो में आपको 3 स्टेप में देखने को और आपको इस वीडियो में आपको सुनने को भी मिल जाएगा। इस पासवर्ड को जब आप जिप फाइल को क्लिक करके आप अपने मोबाइल फोन में इस शादी कार्ड की PLP जिप फाइल आप अपने मोबाइल फोन में जब आप अनजिप करेंगे तब आपको इस पासवर्ड को एक साथ आपको उस जिप फाइल में लिखना है और आपको ओके पर क्लिक कर देना है। आपकी जिप फाइल आपके मोबाइल फोन में दोस्तों बहुत ही आसानी से अनजिप हो जाएगी और आपको इस जिप फाइल में इस शादी कार्ड की PLP फाइल आपको उस जिप फाइल में आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको दोस्तों पिक्सल में PLP फाइल को ऐड करना नहीं आता या फिर आपने अपने मोबाइल फोन से कभी भी इस तरह से पोस्टर बैनर कार्ड इत्यादि को एडिट करके अपने मोबाइल फोन से अभी तक नहीं बनाया है, तब भी आप दोस्तों बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपको कुछ भी पासवर्ड मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उन वीडियो को बारी बारी से बहुत ही अच्छे से देखिए और सुनिए समझिए। आप दोस्तों बहुत ही आसानी से इस तरह के कार्ड पोस्टर बैनर को एडिट करके अपने मोबाइल फोन से बनाना आप दोस्तों बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो आपको दोस्तों यह शादी का कार्ड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगली बार इस तरह का पोस्टर बैनर कार्ड इत्यादि मैं इस चैनल पर अगली बार अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। क्योंकि दोस्तों मैं प्रतिदिन नए नए पोस्टर बैनर लोगो कार्ड इत्यादि चैनल पर अपलोड करता ही रहता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नई पोस्टर बैनर के साथ। तब तक नमस्कार।